वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का रेसिपी है चॉकलेट ब्राउनी। उसके लिए ये देखिए, दो ये चॉकलेट है, ये दो ऐसा दो पीस काट के ये बताने के लिए रखें, और इसको है ना डबल बॉयलर में डाल के इसको चॉकलेट मेल्ट करूँगी। अभी देखिए, ये नीचे गैस पे डेगची है और उसके ऊपर ये बॉल में चॉकलेट मेल्ट होने के लिए रख करें। मेल्ट हो जाएगा तब इसमें बटर डालेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चॉकलेट मेल्ट हो रहा है, इसमें ये 100 ग्राम अमूल बटर है, वो भी डाल के लें। अभी देखिए, ये चॉकलेट और बटर दोनों अच्छे से मेल्ट हो रहा है। गैस बंद कर दूंगी। अभी देखिए, ये इसको मिक्स करने का अच्छे से। अब इसमें ये आधा कप ये पिसा हुआ चीनी, उसको भी साथ में रख के इसमें ये अमूल फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। देखिए मेल्ट हो रहा है अभी दोनों का अच्छे से। अमूल बटर, अमूल फ्रेश क्रीम, चॉकलेट, तीनों को अच्छे से मिला लें। अभी ये देखिए, ये चॉकलेट और क्रीम, चीनी, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैदा, 2 कप मैदा डाल दें। और ये बेकिंग सोडा है 1 चम्मच। ये 1/2 चम्मच ये बेकिंग पाउडर। ये 2 चम्मच कोको पाउडर। मैं दो केक का बैटर बना रही हूँ, क्योंकि एक ओवन में बनाऊंगी, एक कुकर में बनाऊंगी। उसके लिए ये 2 कप मैदा। मैं और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि ये 2 केक का बैटर बना रही हूँ, इसके लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ये सब सामान लग रहा है। और इसके बाद ये मिल्क मेड, ये मेरा होममेड मिल्क मेड है, ये 4 चम्मच मिल्क मेड। उसके बाद दूध, ये सब रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं, नॉर्मल। इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए, अभी सूखा बैटर है, अभी इसमें और दूध डालेंगे थोड़ा। इसको अच्छा मिक्स करके सॉफ्ट बैटर बनाएंगे इसका। दूध डाल के लेती हूँ अभी, क्योंकि अभी सूखा हुआ है।
फर्स्ट में वेनीला एसेंस डाल रही हूँ, देखिए वेनीला एसेंस एक चम्मच। अभी ये बैटर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए देखिए हो गया, बन गया। अभी इसको केक मोल्ड में डालती हूँ। ये आधा किलो का ये केक टिन है, इसमें मैं इसमें बटर पेपर लगाई हूँ। आप चाहे तो बटर लगाकर और मैदा डालकर डस्ट कर सकते हैं। और एक ये चौकोन मैंने ली हूँ, ओवन में बताऊंगी आपको। ये देखिए इसको डालने के बाद ऐसा थोड़ा इसको एयर निकालने के लिए थोड़ा ऐसा करिए, ये दोनों का ऐसा एयर निकल जाए। तो एक में ये ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, एक में मैं डाल दीजिए, एक में नहीं डाल दीजिए, मेरे बच्चे को नहीं पसंद है इसके लिए। अभी ये देखिए ये कुकर है, उसमें नमक डाल के गर्म होने के लिए 5 मिनट से रखी थी। अभी ये देख इसमें ये केक का बैटर डाल दी वो कुकर में, इसको 10 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट फास्ट पे गैस रखेंगे, उसके बाद मीडियम पे करके उसको रख दें। ये कुकर है देखिए, इसमें रबड़ लगा हुआ है, ये सीटी सिप निकाल देंगे और इसको लगा के बंद कर देंगे। ये दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये ओवन में 180 डिग्री पे प्रीहीट की हूँ और 30 मिनट के लिए इसको ओवन में डाल दूँ। चेक करती हूँ अभी गैस बंद की, ये अभी खोल कर ये अभी ये ऐसा चेक करने का तरीका, ये लकड़ी का ये टूथपिक लीजिए और ऐसा डालिए। देखिए एकदम बन के तैयार हो गया है। ये देखिए छुरी से भी बता रही हूँ करके आपको, देखिए देखिए हम छुरी क्लीन आ रहा है, कहीं से भी डालिए। देखिए अभी केक बन के तैयार हो गया है, देखिए ओवन में ये बाद में तैयार हुआ है कि कुकर वाला पहले बन गया था। तो ये देखिए बन के पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। ये काट कर पीस निकाल के बता रही हूँ कितना देखिए सॉफ्ट और नरम ये कुकर का और ये ओवन का, दोनों आपको बता रही हूँ। यहीं पे आइसक्रीम डाल के और उस पर हर्षी डाल के और मज़े से खूब खाइए, बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। चीज़ दोनों पे